Subscribe and press the bell icon for latest update. गुरुवार को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कई संस्थाओं के अलग अलग नेताओं ने राम मंदिर बनवाने को लेकर शपथ ली। लखनऊ विश्वविद्यालय में राम मंदिर पर एक सेमिनार में शामिल होते हुए मुस्लिम कार सेवा मंच के अध्यक्ष आजम खान और कई दूसरे नेताओं के साथ डीजी होमगार्ड का राम मंदिर बनवाने के लिए शपथ लेना चर्चा का विषय बन गया। सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा का विषय बना हुआ है तो वो है उत्तर प्रदेश के डीजी सूर्य कुमार शुक्ला। हालांकि यह मामला बढ़ता देख उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजी होमगार्ड सूर्य कुमार शुक्ला को जवाब तलब किया, साथ ही फोन कर उनसे सफाई भी मांगी। इसके बाद डीजी होमगार्ड सूर्य कुमार शुक्ला ने सरकार को सफाई में कहा है कि उन्हें पहले से ऐसे किसी शपथ की जानकारी नहीं थी, वो सिर्फ सेमिनार में हिस्सा लेने गए थे। वहाँ उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया है, न ही कोई आपत्तिजनक बातें कही हैं। फिलहाल इस मामले को देख कई लोगों ने पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। साथ ही दिलचस्प बात यह है कि सम्मेलन में मुस्लिम नेताओं ने भी शपथ ली है। SPN न्यूज रूम की रिपोर्ट।